गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अवर अदर लिविंग थिंग्स एंड ह्यूमन बींग्स सिमिलरिटीज. सिमिलरिटीज में हमने टू पॉइंट्स देखे थे, ऑल लिविंग थिंग्स मूव एंड ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. ये दो सिमिलरिटीज समानताएं हम लोगों ने देखी थी इंसान और एनिमल्स एंड प्लांट्स में. इंसान एक लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं और एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं. तो चैप्टर अपना ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं. और ये प्लांट्स और एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में क्या क्या समानताएं हैं? मूव कर सकते हैं, उनको फूड की जरूरत रहती है. नाउ टुडे वी डिस्कस नेक्स्ट फोर सिमिलरिटीज बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग थिंग्स. अब देखो थर्ड पॉइंट है अपना ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड देखो सबका विकास होता है. सब शुरुआत में ही हम ऐसे थे क्या? नो, शुरुआत में हम ऐसे नहीं थे. शुरुआत में क्या थे? हम बिल्कुल छोटे. जब हमारा जन्म हुआ तब हम बिल्कुल ही छोटे थे, ठीक है. अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे हमारे क्या होने लगी? ग्रोथ होने लगी. यानी जब हमारा जन्म होता है तब हम बिल्कुल छोटे होते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होती रहती है. एज द टाइम पासेस ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो. जैसे जैसे टाइम जाता रहता है वैसे वैसे ह्यूमन बींग इंसान प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होती है? ग्रोथ होती रहती है. और लिटिल बेबी ग्रोथ, छोटा बच्चा रहता है उसमें ग्रोथ होने के बाद वो या तो मैन बनता है या फिर वुमेन. मैन या फिर वुमेन, यानी लड़की होगी तो वुमेन बनेगी और लड़का होगा तो वो बड़ा होकर मैन बनता है. उसी तरह से प्लांट्स का होता है, सीड्स रहते हैं. सीड्स जब हम जमीन में डालते हैं वो सीड्स छोटा प्लांट होता है, कुछ दिनों बाद फिर वो उससे बड़ा होता है और बहुत दिनों के बाद वो क्या हो जाता है? एक बिग प्लांट या ट्री में उसका चेंज होता है. अ स्मॉल सीड्स ग्रोज इनटू स्मॉल प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोज इनटू बिग प्लांट. बेबी एनिमल्स ग्रो इनटू फुल्ली ग्रोन एनिमल्स. एनिमल्स के जो बेबी रहती हैं उनकी ग्रोथ होने के बाद वो बड़ा एनिमल बन जाता है. चिक कम्स आउट एन एग. चिक क्या होता है? अंडे में से बाहर निकलता है, फिर बिल्कुल छोटा सा चूजा रहता है और फिर धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होने के बाद क्या होता है? वो हैन या कॉक बनता है. एंड देखो लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, यानी एनिमल्स प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, इन सब में क्या होता है? ग्रोथ होती रहती है. ये हो गया आपने ग्रोथ का. देन देखो बेबी का मैन एंड वुमेन, ठीक है. देन चिक का हैन और के कॉक, सॉरी केक नहीं कॉक. देन बेबी एनिमल का क्या होता है? जो एनिमल्स रहता है उसमें चेंज होता है, ठीक है. यानी ये हो गया ग्रोथ का. नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सांस लेते हैं. यस, हम सांस लेते हैं, एनिमल्स भी सांस लेते हैं प्लस प्लांट्स भी सांस लेते हैं. वो कैसे? देखो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ. वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, हम अपने नोज से सांस लेते हैं. इफ वी प्रेस आवर नोज विद आवर हैंड फॉर सम टाइम्स वी फील अनकंफर्टेबल. यस, अगर
किसी को लगता है हम सांस लिए बगैर जिंदा रह सकते, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अपने नोज को फुली टाइट बंद करना है, माउथ भी बंद करना है और कुछ टाइम के लिए। फिर आपको ऐसे फील होगा कि आप बहुत अनकंफर्टेबल हो, आपको अंदर से क्या होने लग जाता है, सांस नहीं आती है, तब अंदर से ऐसे घुटन सी होने लगती है। फिर हम क्या करते हैं, सांस लेने के बाद हमारे सही होता है। व्हेन वी रिमूव हैंड, जब हम अपने नाक में से हाथ उठाते हैं, वी फील कंफर्टेबल, हमें आराम महसूस होता है। दिस शोज दैट वी कैनॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग, इससे हमें पता चलता है कि हम सांस के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अ डॉग ऑल्सो हैज अ नोज टू ब्रीथ, डॉग के क्या होता है, नोज होता है जो ब्रीथ करता है उससे। फिश ब्रीथ करती है उसके गिल्स से, उसके ऊपर जो गिल्स रहती है, गिल्स के द्वारा क्या करती है, वो सांस लेती है। एनिमल्स हैव लंग्स, गिल्स एंड एयर होल्स टू ब्रीथ, एनिमल्स के क्या होते हैं, होल्स रहते हैं, एयर होल्स रहते हैं, गिल्स रहते हैं, लंग्स भी रहते हैं, नोज रहते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, सांस लेते रहते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा, यस, प्लांट्स भी क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, एक स्मॉल पोर्स रहती है प्लांट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, प्लांट्स के जो लीव्स रहते हैं उसको स्मॉल पोर्स रहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टोमक। इस स्टोमाटा की हेल्प से क्या करते हैं, लीव्स ब्रीथिंग करते हैं। यानी देखो, इंसान को ब्रीथिंग के लिए नोज है, डॉग्स के भी नोज है, लेकिन कुछ एनिमल्स के प्रॉपर नोज ना होने की वजह से उनके एयर होल रहते हैं, फिश के गिल्स रहते हैं और किसी किसी के अंदर लंग्स रहते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। और प्लांट्स के जो लीव्स रहते हैं, लीव्स के ऊपर स्मॉल पोर्स रहते हैं, इन स्मॉल पोर्स को कहा जाता है स्टोमाटा, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। नेक्स्ट है देखो अपना, ये भी हो गया, ऑल लिविंग थिंग्स फ्री कर सकते हैं, यस। वो कैसे, देखो हम किसी गुलाब को हाथ लगाए, गुलाब के नीचे क्या रहते हैं, कांटे लगे हुए रहते हैं। अगर बाय चांस अपना हाथ कांटे पे पड़ जाता है तो हम क्या होता है, चूकता है, और हम क्या करते हैं, अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं। दिस इज अवर फीलिंग, वी फील पेन, हम दर्द होता है और हम वहां से क्या करते हैं, क्विकली अपना हैंड वहां से मूव कर लेते हैं। कई बार ठंडी चीज पर कोई हाथ लगाता है, बहुत ठंडी लगती रहती है, हैंड टू हैंड अपना हाथ क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। किसी हॉट पॉट पर हम हाथ लगाते हैं, गर्म लगता है, तो हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स को क्विकली मूव कर लेते हैं। प्लांट्स का भी है, प्लांट्स कैन फील द सनलाइट, प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत रहती है, एंड देन ग्रो टूवर्ड्स द सनलाइट, और वो सूरज की रोशनी की तरफ अपना डायरेक्शन चेंज करके क्या करते रहते हैं, उनकी ग्रोथ होती रहती है। और इसके अलावा टच मी नॉट जो प्लांट रहता है, टच मी नॉट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके पास अगर हम उसके लीव्स को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो वो अपने लीव्स को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, और जैसे ही हम उससे दूर होते हैं वो अपने लीव्स को ओपन कर लेता है। यानी इससे हमें पता चलता है कि लीव्स को भी, यानी प्लांट्स को भी क्या होती है, फीलिंग होती है। अब देखो, इफ आवर हैंड पिक वी फील पेन एंड हैंड मूव अवे क्विकली, व्हेन वी टच एनी कोल्ड सरफेस आवर फिंगर्स फील कोल्ड, The dog wags its tail and feels happy when we pet it. Yes, ये पॉइंट आपको समझाना था कि हम एनिमल्स का, प्लांट्स का समझा दिया, ह्यूमन बींग्स का समझा दिया, लेकिन
एनिमल्स में भी फीलिंग्स रहती है। अगर अपने घर में कोई पेट पाला हुआ है तो देखना, जब हम बाहर से कहीं आते हैं तो वो पेट जो होता है, डॉग जो रहता है, वो पूंछ हिलाते हुए, अपनी टेल हिलाते हुए अपने चारों ओर घूमता रहता है, वो अपनी खुशी जाहिर करता है। उनको भी फीलिंग्स होती है, वो भी रोते हैं, उनको भी दर्द होता है, एनिमल्स को भी। ये सारे जैसे अपने इंसानों में होते हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी होते हैं। प्लांट्स कैन फील सनलाइट, दे ग्रो टूवर्ड्स द सनलाइट। व्हेन वी टच द प्लांट, टच मी नॉट, इट शोज मूवमेंट, इट फॉल्स, इट लिव्स टचिंग दे। अब देखो यहाँ कुछ पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग समझाया हुआ है। नेक्स्ट है अपना ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, प्रजनन। ऑल लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं। द वे न्यू लिविंग थिंग्स टेक बर्थ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, किसी नए का जन्म होना ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। ह्यूमन बींग्स एंड मेनी अदर एनिमल्स, कैट, डॉग्स, काउज एटसेट्रा गिव बर्थ टू देयर बेबीज। कैट, डॉग, काउ, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं। बर्ड्स ले एग्स, पंछी अंडे देते हैं और अंडे में से उनके बच्चे। दीज एग्स व्हेन हैच प्रोड्यूस यंग वंस, जब वो एग हैच हो जाता है तब उसमें से प्रोड्यूस यंग वंस, छोटा बच्चा निकलता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स, प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसके अंदर जो सीड्स रहते हैं वो जमीन पे गिरते हैं या मिट्टी में डाले जाते हैं, फिर उससे क्या होता है, न्यू प्लांट, न्यू बेबी प्लांट ग्रोथ होती है। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देयर स्टेम्स, रूट्स, लीव्स और अदर पार्ट्स, और कुछ जो प्लांट्स रहते हैं वो स्टेम से, रूट से, लीव्स और अदर प्लांट्स, अदर पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, इसके प्लांट्स के, उसके द्वारा क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। और देखो ये चारों पॉइंट आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम रीड करेंगे ओपन योर बुक पेज नंबर 17, नंबर 3, 4, 5, 6, ये जो फोर पॉइंट आज हमने डिस्कस किए अब हम रीड करेंगे। यस, ओपन योर बुक पेज नंबर 16, ओपन योर बुक पेज नंबर 17। सिमिलरिटीज अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स में से हम लोगों ने टू पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लिए थे, आज 3 to 6 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो अब हम उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पॉइंट थर्ड, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। एज द टाइम पासेस ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। ए लिटिल बेबी ग्रोज इन टू ए चाइल्ड, वो फर्दर ग्रोज इन टू ए मैन और वुमेन। ए स्मॉल सीड्स ग्रोज इन टू ए स्मॉल प्लांट, ए स्मॉल प्लांट ग्रोज इन टू ए बिग प्लांट। बेबी एनिमल्स ग्रो इन टू फुल्ली ग्रोन एनिमल्स, ए चिक कम्स आउट ऑफ एन एग एंड ग्रोज इन टू ए हेन और ए कॉक। नंबर 4 इज ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज। इफ वी प्रेस आवर नोज विथ आवर हैंड फॉर सम टाइम वी फील अनकंफर्टेबल, व्हेन वी रिमूव हैंड वी फील कंफर्टेबल। दिस शोज दैट वी cannot live without breathing. A dog also has a nose to breathe. Fish breathe through their gills. Animals have lungs, gills and air holes to breathe. Plant breathe through the pores called stomata in their leaves. Next point, number 5, all living things feel. If our hand is pricked
We feel pain and the hand moves away quickly. When we touch any cold surface, our fingers feel cold. The dog wags its tail and feels happy when we pet it. Plants can feel the sunlight. They grow towards the sunlight. When we touch the plant, touch me not, it shows some movement. It folds its leaves on touching them. When our hands accidentally touches a very hot object, we pull them back at once. The rat kept in a container having holes remain alive. Number 6 is all living things reproduce. The way new living things take birth is called reproduction. Human beings and many other animals like cat, dogs, cows, etc. give birth to their babies. Birds lay eggs. These eggs, when hatched, produce young ones. Plants reproduce through their seeds. A seed can give rise to a new baby plant. Some plants grow from their stems, roots, leaves or other parts. यहाँ तक अपना सिमिलरिटीज कंप्लीट हो चुका है. अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे दिस सिमिलरिटीज अमंग ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, थैंक यू बच्चों.